भाई साहब, प्रोजेक्ट के ग्लिम्सेस को मैंने इतनी बार 0.25x की स्पीड पर देखा है कि क्या बोलूं। लेकिन इसका बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने कुछ ऑसम डिटेल्स ढूंढ कर निकाली है। जैसे कि मेरे को लगता है कि अमिताभ बच्चन सर मूवी में अश्वत्थामा का रोल प्ले करने वाले हैं। उसके अलावा पिक्चर में वोटर का भी बड़ा मैटर होगा, या फिर ये बंदा कमल हसन है, और इस बंदे के हाथ में क्या है, ये पीछे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो इन सब पर हम आगे वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ग्लिम्स में सबसे पहला सीन हमको ये वाला देखने को मिलता है, जहाँ पर कि आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके ऊपर से कुछ सोल्जर्स जा रहे हैं। सबसे पहले सोल्जर्स की बात करें तो इस ग्लिम्सेस में हमको दो तरह के सोल्जर देखने को मिले हैं। एक ये जिनके पास ब्लैक आर्मर है, ब्लैक सूट, हेलमेट ब्लैक है, और इनकी गन से रेड कलर की एनर्जी लगती है, जो कि सिग्निफाइड करती है बैड बॉयज, बुरे लोगों को, यानी कि ये पिक्चर में विलन वाली आर्मी होगी। और इसके अपोजिट इस ग्लिम्सेस में हमको कुछ ऐसे सोल्जर्स भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने की व्हाइट सूट्स पहने हुए हैं, उनके पास व्हाइट गन्स हैं, उनके वेपन से ब्लू एनर्जी निकल रही है, जो कि यहाँ पर व्हाइट सिग्निफाइंस करता है अच्छे लोगों को, गुड बॉयज को। जिसके बाद की भाई हमको ये ग्लिम्सेस देखकर गुड और इविल्स वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया है, जिसमें कि भाई आप यहाँ देख सकते हो कि इन दोनों आर्मीज में लड़ाई भी हो रही है। इसके बाद ग्लिम्सेस में हमको ये वाला शॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि लोगों के पास यहाँ पर पीने के लिए पानी तक का नहीं है, जो कि भाई ये मूवी डिस्टोपियन फ्यूचर में बेस्ड होने वाली है। तो ऑब्वियसली दुनिया तो खत्म हो ही चुकी है और पानी भी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, और जो बचे कुचे सर्वाइवर्स हैं, जिनमें से कि कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ पावरफुल है, कुछ कमजोर हैं। जो पावरफुल है, जो बुरे लोग हैं, मैं भी उनके पास पानी होगा, लेकिन जो कमजोर और अच्छे लोग हैं उनके पास पीने तक का पानी भी नहीं होगा, और तभी उनको न्याय दिलाने के लिए विष्णु के अवतार कल्कि का जन्म होगा। इसके बाद हमको इसमें एक इंटरेस्टिंग सा शॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर की ये सोल्जर इन लोगों पर गन ताने खड़ा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो अंकल हैं ये हैं, और जिसको लेकर वो बैठे हुए हैं, जिसका सिर्फ हमको सिर ही देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाल घुंघराले टाइप के हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये गन से फायरिंग कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों लोग अच्छे लोग होंगे, और जब बुरे लोग इनसे कुछ लेने आए होंगे लाइक वोटर, तो इस बंदे ने बगावत की होगी और तब उन्होंने इसको मार दिया होगा, और ये इसके बाद का सीन है। और इसके बाद इस सीन्स में हमको सारे बैड बॉयज देखने को मिलते हैं, जिन्होंने की वही ब्लैक सूट, ब्लैक हेलमेट और रेड वाली गन्स ली हुई है, लेकिन इन सब के पीछे एक बंदा खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक लगी वेपन है। तो इसके हाथ में जो वेपन है, मे भी हो सकता है कि इसका हाथ वाथ कट गया हो, और क्योंकि ये साइंस फिक्शन मूवी है तो इसने उसकी जगह ये वेपन लगवा लिया हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पिक्चर साइंस फिक्शन है। इसके अलावा इस सीन में हमको एक पीछे बड़ी सी येलो कलर की लाइट देखने को मिलती है, जिसको देखकर जितना मेरे को समझ में आया है कि मे भी ये हो सकती है कि कोई माइनिंग चल रही हो पानी को खोजने की, क्योंकि इनके सामने सबसे बड़ी समस्या तो पानी ही है। और इन सब के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन सर मूवी में अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि इस वाले सीन में जब एक रोबोट एक पुराने से शिव जी के मंदिर में घुसता है, तो उसके बाद ही हमको एकदम बच्चन जी दिखाए जाते हैं, जिनको देखकर लग रहा है कि वो उसी जगह पर हजारों साल से हैं, क्योंकि उनके ऊपर जाले वाले पट्टियां लगी हुई है और उसी शिव जी के मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा का रोल प्ले करेंगे, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वाले सीन में आप क्लियरली देख सकते हो कि वो अपने एक मुक्के से दीवार को तोड़ दे रहे हैं, विच मीन्स कि उनके पास सुपर स्ट्रेंथ वाली पावर्स हैं, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन के पास तो कतई नहीं होती। उसके बाद जैसे कि कुछ लोग कह रहे थे कि ये पिक्चर महाभारत से इंस्पायर्ड होगी, तो भाई नहीं, महाभारत हमारे पास्ट में टेक प्लेस करता है और ये पिक्चर हमारे फ्यूचर में टेक प्लेस करती है, तो महाभारत ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद हमको ग्लिम्सेस में ये वाला सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर कि आप देख सकते हो कि इस मशीन के अंदर एक आदमी है और उसके ऊपर कुछ ब्लू सा है, जो कि भाई मोस्ट प्रोबेबली ये कोई एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है। हो सकता है कि ये क्लोनिंग कर रहे हो, या फिर इसे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझे तो मे बी ये अमर होने की कोई प्रक्रिया होगी, जिसको कि कर तो रहे हैं बुरे लोग ही हैं, क्योंकि आसपास के लोगों पर अगर आप ध्यान दोगे तो वो बुरे ही नजर आते हैं। इसके अलावा आप इस लोकेशन पर देख सकते हो कि पीछे बहुत सारे येलो कलर के ठप्पे से बने हुए हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये ही प्रोजेक्ट के है, क्योंकि इस वाले सीन में जब ये आदमी पूछ रहा है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट के, तो ये लोकेशन वही सेम लोकेशन है, क्योंकि पीछे आप येलो कलर के ठप्पे से देख सकते हो, और जिससे पूछ रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो कमल हसन का कैरेक्टर हो सकता है, जो कि पिक्चर में मेन विलन का रोल प्ले करने वाले हैं, और वो इस प्रोजेक्ट की मदद से खुद को ही अमर करना चाहेगा। और कमल हसन की बात निकली है तो बहुत से
लोग कह रहे हैं कि ये बंदा कमल हसन है, तो भाई मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आप इसके सूट और हेलमेट को देख सकते हो जो कि काफी बेसिक सा ही है, एकदम ऐसा ही है जैसे कि हमने और सोल्जर्स के देखे हैं। और क्योंकि कमल हसन मूवी के मेन विलन है तो एटलीस्ट उनका सूट कुछ तो अलग और बेहतर होगा इनसे। और शायद ये भी तो हो सकता है कि ये राणा दगुपति हो जो कि कमल हसन का दाया या बाया हाथ हो, जिसको हम आर्मी जनरल कहते हैं। और इन सब के बाद जब प्रभास की एंट्री होती है तो आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों ने जो सूट पहना हुआ है वो हाफ है, उनकी बाजुओं पर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद इस वाले सीन में आप देख सकते हो कि उनका सूट फुल है, उनकी बाजुएं भी ढकी हुई है, विच मीन्स कि उनका सूट पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा उनके पास कुछ खास तरीके के जूते भी हैं जिनमें कुछ गैजेट्स लगे हुए हैं, प्रोबेबली वो उनसे उड़ सकते होंगे। तो पिक्चर में बहुत कुछ होने वाला है, बस अभी हमको थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद दीपिका के कैरेक्टर पर बात की जाए तो उसको देखकर लग रहा है कि वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जहां पर कि उनको ट्रेन किया जाता है, फाइटिंग सिखाई जाती है, और ऑब्वियसली इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले बुरे ही लोग होंगे, विच मीन्स कि दीपिका इनडायरेक्टली सही लेकिन विलन वाली टीम में होगी, जिसके बाद भाई उसको वहां से कोई निकालेगा जैसे कि प्रभास, और फिर वो एंड में अच्छाई की ओर से लड़ेगी और लास्ट में फाइनल बैटल होगी, जिसमें कि क्या होगा सबको ही पता होगा, अच्छे वाले लोग जीत जाएंगे या फिर इनको आगे भी और पार्ट्स निकालने होंगे तो किसी क्लिप एंगर पर छोड़ दिया जाएगा, उसका तो पिक्चर देखकर ही पता लगेगा। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वाले शॉट में हमको एक ट्रायंगल देखने को मिलता है, और जो ये प्रोजेक्ट के है ये भी ट्रायंगल शेप का ही है, तो मे भी कोई कनेक्शन हो सकता है या फिर मैं ही ज्यादा एनालिसिस कर रहा हूं। इसके बाद ये हाथों वाला सीन ध्यान से देखो, जिसमें कि मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये दो हाथ हमको देखने को मिल रहे हैं ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि ये ग्लव्स वाला हाथ तो बच्चन जी का है लेकिन ये वाला हाथ बच्चन जी का नहीं है, क्योंकि ये मेरे को थोड़ा यंग लग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ही हाथ बच्चन जी के ना हो, या फिर ये बस ग्लव्स वाला हाथ बच्चन जी का हो और ये वाला हाथ किसी और का हो। बात करें मूर्ति की तो देखने में तो वो विष्णु जी की लग रही है, लेकिन उनको त्रिशूल लिए हुए कभी नहीं देखा है, और शिव जी की भी नहीं लग रही है, मे बी ये विष्णु के अवतार कल्कि की हो सकती है। तो इन सब बातों के साथ आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इसके पीछे मेरा बहुत टाइम गया है। नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने भी कुछ ग्लिम्पसेस में नोटिस किया हो तो कमेंट में जरूर बताना, और सब्सक्राइब करने लाइक कर देना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।